अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आई होप आपने कल वाला शो मिस नहीं किया होगा, जिसमें थैंक्स गिविंग वाला हमने स्पेशल शो किया था हमारे गेस्ट के साथ। टर्की वगैरह उन्होंने बनाना आपको सिखाया था। आज हम एक मीठा बना रहे हैं, ठीक है, कोकोनट कस्टर्ड बार्स बना रहे हैं हम, और हम एक चिकन की रेसिपी बना रहे हैं जिसमें एक टेक्निक है ब्रेजिंग की, वो मैं आपको सिखाऊंगी आज। बहुत सिंपल है, देखिएगा और ट्राई करिएगा। तीन स्टेप्स हैं यहाँ, सो 1, 2 एंड 3। इस तरह हमने अज्जा यहाँ रख दिए हैं ताकि हमारे लिए भी आसान हो, आपको भी समझ आ जाए। अब हमें करना क्या है कि जो बेस के अज्जा हैं उनको मिक्स करके हमने फ्रीज़र में रख देना है, एक डिश में नीचे लगा के, ठीक है। फिर हमने बीटर से कस्टर्ड पाउडर और ये सारी चीज़ें बीट करनी है, फिर उसको उस लेयर के ऊपर रखना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम गनाश बनाएंगे और उसको हम उस तो तीन लेयर्स में ये डिज़र्ट बनेगा। जब अब ठंडा हो जाएगा, आप इसको काटेंगे तो नीचे ये बेस है जो थिक होगा, फिर पतला सा कस्टर्ड वाला एक लेयर होगा और उसके बाद गनाश है। गनाश के लिए जो चॉकलेट है वो डार्क कंपाउंड चॉकलेट हमने मिल्कीज़ फूड वालों की यूज़ की है, यहाँ आपको नज़र आ रही है डार्क चॉकलेट है, इनकी वाइट चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, विप क्रीम है, फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं, न्यूट्रल ग्लेज है, बहुत सारे अज्जा हैं, आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। चोको हेज़ है जो उनका कोको से बनाया गया चॉकलेट स्प्रेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज इसको हमें तीन लेयर्स को ठंडा भी करना है। होपफुली हम शो ख़त्म होगा तो आपको ये काट के भी दिखा सकेंगे। सो यहाँ मैंने लिया हुआ है बिस्किट का चूरा, ठीक है। अब बिस्किट्स कौन से हैं, कोई भी ले लें आप, एनी बिस्किट्स, बिकॉज हमें उनको वैसे भी चॉकलेट फ्लेवर देना है कोको पाउडर डाल के। सो ये हमारे जो सिंपल टी टाइम के बिस्किट्स हैं वो एक बोल में आप डाल दीजिएगा। आपने इसको फूड प्रोसेसर में डाल के क्रश कर देना है, ठीक है। उसमें आप डालेंगे कोको पाउडर, जो अज्जा सारे क्वांटिटीज़ के साथ लिखा है वही पूरा इस्तेमाल करिएगा। पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, ठीक है, पिसी हुई ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ है मेरे पास पिसे हुए बादाम, खोपरा है ये, थोड़ा सा बचाएंगे फॉर द टॉपिंग, उप्स दूसरा इसमें डाल देंगे, और पिघला हुआ मक्खन है ताकि जल्दी से इसमें अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो जाए। अभी आई थिंक आई यूज माय स्पैचुला बिकॉज उससे सारी चीज़ें निकलती हैं आसानी से। और अंडा एक अदद, ठीक है, यस कच्चा होगा बिकॉज इसको हम पकाएंगे नहीं, लेकिन नहीं पता चलेगा, बाइंड करने में काम आएगा। अब ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, ये सब कुछ हटा देते हैं। रिकैप कर दूं, बिस्किट्स लिए थे मैंने टी टाइम वाले बिस्किट्स जो होते हैं हमारे क्रीम के बगैर वाले, ठीक है, उसको फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लिया था। पिसे हुए बादाम लिए थे, छिलका उतार दिया था, ब्लांच्ड एंड ग्राउंड आमंड्स लिखा है, यानी कि गर्म पानी में डाल के छिलका उसका उतार दीजिएगा। फिर खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट, मक्खन है फीका अनसॉल्टेड वाला, चीनी है पिसी हुई, अंडा है, कोको पाउडर है, ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है और उस बेस के डिश के बेस में आपने निकालना है। कोई सा भी डिश ले लीजिएगा, मैंने इस तरह का एक स्क्वायर पायरेक्स का डिश लिया हुआ है ताकि तीनों लेयर्स आपको नज़र आएँ, ठीक है। इसमें हम दबा के इसको बिछा देंगे, अच्छी तरह फ्रीज़र में रख देंगे, निकालेंगे उसको, फिर उसके ऊपर कस्टर्ड वाली लेयर जाएगी। पकाना कुछ भी नहीं है हमने, ये पकेगा कुछ भी नहीं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर गनाश जाएगा। सो लेट्स डू दिस, इसको आप मिक्स कर दीजिए सारी चीज़ों को। अंडा नहीं डालना है, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अंडा कच्चा होगा। बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं जिसमें कच्चा अंडा होता है, इंक्लूडिंग मेयोनीज वगैरह, लेकिन नथिंग रॉन्ग इन इट ऑनेस्टली। बचपन में हम सब ने कच्चे अंडे खाए हैं, आई होप आपने भी खाए होंगे, मैंने तो खाए हैं कच्चे अंडे, स्पेशली सर्दियों में। बहुत छोटे बच्चों को, बूढ़े लोगों को और जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हों उनको कच्चे अंडे नहीं देते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, ओके। ये नहीं कह दीजिएगा ज़ारनक ने बोला तो खिला दो, ऐसे नहीं करिएगा, हाँ ठीक है। अच्छा जी, इसको ज़रा मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अच्छा, और आज हम दे रहे हैं अपने शो पे एक गिफ्ट, वो है डिलक्स हेयर ड्रायर इनेक्स की तरफ से। अगर आपको जीतना है तो आपने बताना है मुझे
दो तीन डिज़र्ट्स के नाम जो आपने मेरे शो देख के सीखे हों, आपने ट्राई किए हों, आपको अच्छे लगते हों, आपके फेवरेट हों, तो डिज़र्ट्स के नाम, कोई से भी मीठे जो भी डिज़र्ट्स मैं बनाना सिखाती हूँ उसके नाम लिख के 8881 पे SMS कर लीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इनिक्स की तरफ से आज गिफ्ट है, फिर शो ख़त्म होगा उससे पहले हम अनाउंस कर देंगे कि कौन जीता। इसको आप ननाइमो बार्स भी कहा जाता है, ये कनेडियन रेसिपी है और मुझे बहुत पसंद है इस तरह के लेयर डिज़र्ट्स, तो आप भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा, कितना आसान है, बच्चे भी आपको हेल्प कर सकते हैं। हर चीज़ मिक्स की, ठंडी की, उसके ऊपर कस्टर्ड का लेयर डाल दिया, ये वो कस्टर्ड नहीं है जो हम चूल्हे पे पकाएंगे, ये हम सिर्फ मिक्सिंग करेंगे कस्टर्ड पाउडर के साथ, ओके। और वनीला कस्टर्ड ही यूज़ करिएगा, नॉट अनदर फ्लेवर। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई सजेशंस है हमारे शो के हवाले से, मुझे कुछ बताना है, कोई रेसिपी आपने हमारी ट्राई की हो जिसके बारे में आप मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं इसको मशीन से भी कर सकती थी लेकिन मैंने सोचा मशीन को साफ़ रखते हैं फॉर द बीच में वाली लेयर, ठीक है। ये अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और इसमें फ्लेवर खोपरे का आना चाहिए, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कोकोनट एसेंस भी डाल सकते हैं, ओके। चाहें तो आप बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट वाले, लेकिन इस तरह के करिएगा, इसी तरह बहुत अच्छा लगेगा, बनेगा, ट्राई करिएगा। तब अच्छी तरह जब सब कुछ यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए, ऑब्वियसली कोर्स तो रहेगा, हमें स्मूथ कोई पेस्ट नहीं चाहिए, बिस्किट्स भी मुंह में आए, खोपरा आए, ठीक है। इस तरह अब आप इसको इस डिश में बिछा दीजिए पूरा, ज़्यादा इसी तरह क्रम्बली रहेगा, ज़्यादा अंदर आप मक्खन वगैरह डालिएगा नहीं। हाँ, अब डिश लीजिए, उसमें इसको बिछा दीजिए पूरा, नीचे थिक सा एक लेयर आएगा, अभी मैं इसको स्मूथ डाउन करूंगी, ठीक है। ये हो गया, अब दबाइए, इस तरह प्रेस डाउन कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। बहुत आसान है रेसिपी, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, मेक श्योर ज़रा यूनिफॉर्म हो, एक तरफ से पतला मोटा नहीं हो, यहाँ से ज़रा पतला रह गया है तो इसको हम यहाँ स्प्रेड कर देते हैं। हमारे कॉलर्स आई थिंक आज दोपहर में सो गए हैं सारे, कोई हमें कॉल ही नहीं कर रहा है, ये क्या बात हुई जी, कहाँ हैं हमारे कॉलर्स? अच्छा ब्रेक है, ओके चलिए, तो ब्रेक में हम क्या करेंगे कि इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम आपके सामने ये कस्टर्ड का लेयर बनाएंगे जो इसके ऊपर हम डालेंगे और उसके बाद फिर हम गनाश बनाएंगे मिल्कीज़ की चॉकलेट को इस्तेमाल करते हुए। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV। कोकोनट कस्टर्ड बार्स अज्जा, बिस्किट्स चूरा किए हुए 180 ग्राम, भुने बादाम आधा कप, खुश खोपरा 1 कप, मक्खन 125 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए मक्खन 125 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने की चमचे, क्रीम 2 खाने की चमचे, आइसिंग शुगर 210 ग्राम। टॉपिंग के लिए डार्क चॉकलेट चॉप 180 ग्राम, क्रीम 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज, जो बेस है हमारे कोकोनट कस्टर्ड बार्स का वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम मक्खन लेंगे 125 ग्राम, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, बीट करेंगे, किस चीज़ के साथ, आइसिंग शुगर है मेरे पास यहाँ, ठीक है, कस्टर्ड पाउडर है, ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है कम्पेयर टू व्हाट आई हैव रिटन बिकॉज मुझे इसको जल्दी से सेट करना है। आप एग्जैक्टली रेसिपी फॉलो करिएगा, मीठों की, बेकिंग की, डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ में कोई 19-20 का आप लोग फ़र्क नहीं करिएगा, मेरे पास टाइम कम होता है तो कभी कभार मैं इस तरह के जुगाड़ ज़रा कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे और फिर वो बेस को निकाल के फ्रीज़र में से उसके ऊपर बिछा देंगे पूरा। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, मक्खन, क्रीम और कस्टर्ड पाउडर, आइसिंग शुगर, समरीन कराची से, ओके, हेलो,
हेलो अस्सलाम वालेकुम सरना। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए जी। आज मैं जरा लाइट गई हुई, आप बताइए क्या बना रही हैं आज? रिपीट में रात में 8:30 बजे हमारा शो आता है, जरूर देख लीजिएगा। होपफुली लाइट होगी उस वक्त। मैं बना रही हूँ चिकन की एक रेसिपी, और मैं बना रही हूँ कोकोनट कस्टर्ड टार्ट्स, कोकोनट कस्टर्ड बार्स। ठीक है, मैं रिपीट में देखूंगी जरूर। वैसे जबरदस्त शो है आपका, बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने काफी सैंडविच वगैरह ये सब चीजें ट्राई की, कुकीज वगैरह अपने बेटे के लिए, बहुत अच्छी बनती हैं। ग्रेट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये कोई सवाल वगैरह है आज? आज हमने सवाल रखा था कि आप मुझे अपने फेवरेट कोई भी 3 डिजर्ट्स के नाम बताइए जो आपने मुझसे सीखे हों। कोई भी 3 नाम लिख के 888-1 पे SMS कर लीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आइसिंग शुगर के जो लम्स होते हैं ना, उसको मुझे करना है थोड़ा सा मेल्ट या डिजॉल्व या ब्रेक डाउन, whatever you want to call it. तो वो चीनी फिर मुँह में आएगी वरना। सो क्रीम है, चीनी है, आइसिंग शुगर है, कस्टर्ड पाउडर है, और क्या डाला मैंने, मक्खन। ये सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है। कलर यही आना चाहिए। वेनिला कस्टर्ड पाउडर लीजिएगा प्लीज़, और ये देखिए अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाए तब वो निकालिए फ्रीज़र में से, क्या है वो जो बेस हमने बनाया था। और फिर ये पैन लेंगे, इसमें हम मिल्कीज़ की डार्क कुकिंग चॉकलेट डालेंगे, फिर इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे, और इसको हम गनाश बनाने के लिए रख देंगे। फिर कस्टर्ड के लेयर के ऊपर थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसको डालेंगे, एकदम गरम गरम नहीं कर डालेंगे, ठीक है, वरना वो कस्टर्ड लेयर जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर उसको पूरा का पूरा डिज़र्ट के डिश को फ्रिज में रखेंगे, जैसे ही फिर वो हो जाएगा ठंडा, फिर हम काटने की कोशिश करेंगे। सो ये कर लेते हैं, उसको ले आते हैं यहाँ। ये पहले मैं इसमें से एक्स्ट्रा जो हमारा मिक्सचर है वो निकाल दूँ। कस्टर्ड को पकाना नहीं है, ठीक है, कस्टर्ड के पाउडर को इस तरह आइसिंग शुगर के साथ, मक्खन के साथ मिक्स करना है, ओके, क्रीम के साथ। यही अज्जा हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं और कुछ नहीं है, कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जो घर से आपको ख़ास जाके बाहर ख़रीदनी पड़े। मेरे शो में मैं ट्राई करती हूँ, हफ्ता इतवार मैं 3 से 4 आपके साथ लाइव हूँ, रात में 8 या 8:30 बजे। ये AC चल रहा है तो आज मेरा चूल्हा बंद हो रहा है बार बार, प्लीज़ बुक देख लो बेटा। और फिर क्या कह रही थी मैं जी, क्या कह रही थी, भूल गई, बादाम खाने पड़ेंगे, कोई तो याद दिला दे, सबको बादाम मुझे खिलाने पड़ेंगे वरना ये हाल है मेरा, देखें भूल गई। ये लीजिए, ये तो देखें अच्छा सा ठंडा सेट हो गया है हमारा, इसके ऊपर हमने ये फैलाना है, ओके, ऑल ऑफ दिस। थिक होना चाहिए, प्लीज़ याद रखिएगा, तो ही आप उसको काट सकेंगे। कस्टर्ड पतला होगा तो आप बार्स में, स्क्वायर्स में उसको काट नहीं सकेंगे। सीरियसली आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई वाज सेइंग, क्या कह रही थी, मुझे कोई फ़ोन करके बता दे मैं क्या कह रही थी। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, क्या हो गया है मुझे, भूल गई हूँ मैं। ओके, लेट्स स्प्रेड दिस, आपके पास ऑफसेट स्पैचुला हो तो बेहतरीन रहेगा, आप आराम से उसको स्प्रेड कर सकेंगे, वरना आप चम्मच से इसको एंड तक स्प्रेड करिए इस तरह, ठीक है। उप्स उप्स उप्स, बेस नहीं आ जाए,
आप लोग प्लीज़ चीज़ों को टाइम दीजिएगा, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है बिकॉज़ मेरे पास कम टाइम है, बार बार चूल्हा बंद हो रहा है। तो सेकंड लेयर भी जो है आपकी वो आपने इसके ऊपर लगा दी, प्लीज़ मेक श्योर कि ये इस तरह स्मूथ हो जाए सेकंड लेयर भी इसके ऊपर। जब ये सेकंड लेयर स्मूथ हो जाएगी फिर ये गनाश फिर आप पॉर करिएगा, ठीक है, और थोड़ी सी सेट हो जाए। अब वापस इसको रखते हैं कहाँ, फ्रिज में, मैं तो फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए सेट। अच्छा जी, अब आते हैं चूल्हे की तरफ। वो थोड़ा सा खोपरा मैंने बचा के रखा हुआ है फॉर आर डेकोरेशन। कराची से फातिमा है, उनसे बात, फैसलाबाद से। ओके जी फातिमा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, शुक्रिया जी, बोले जी। बहुत अच्छा शो है आपका, मैं देख रही हूँ, लाइव देख रही हूँ इस टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने क्वेश्चन का आंसर भी देना, मैंने तीन ही, मैंने सिक्स डिशेस के नाम लिखे हैं। सिक्स, अच्छा चलिए बताइए। कस्टर्ड ट्राइफल, सिनेमन रोल शीट केक, तिरामिसू केक, अरे वाह, चॉकलेट केक, डिंग डोंग केक, और अभी जो आप बना रहे हैं कोकोनट कस्टर्ड बार्स। ओके ग्रेट, थैंक यू, बहुत 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 अच्छा बना रही है, रेसिपी मैंने ट्राई की है, बहुत मजे की बनती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ये देखिए ये पिघल चुका है, अच्छी चॉकलेट की जो वो है ना पहचान, वो जल्दी पिघल भी जाती है, जल्दी सेट भी हो जाती है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए गनाश को रूम टेम्परेचर पे, फिर जब वो फ्रीज़र में से निकालेंगे तब उसके ऊपर हम डाल देंगे। अभी मैं अगर गरम गरम गनाश को कस्टर्ड के ऊपर डाल दूँगी, कस्टर्ड भी पिघलना शुरू हो जाएगा, सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। और इसको ये देखिए, ये देखा आपने, ये बिल्कुल डन है, एब्सोल्युटली डन। इसको अभी मैं यहाँ रख देती हूँ और फिर हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। उसमें मुझे करना है ब्रेज चिकन विथ पोटैटोज़। नाउ आलूओं को हल्का सा गर्म पानी में डाल के बस निकाल दिया है, थिकली स्लाइस्ड है, छिलका उतार दिया है। चावलों के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अब ब्रेज्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेज का मतलब होता है जैसे फ्राइंग होता है एक टर्म, एक टेक्निक, खाना पकाने वक्त के वक्त बॉइलिंग होता है, वैसे ब्रेजिंग होता है। परेशान नहीं हो जाइएगा बड़ा सा नाम सुन के, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पैन में या कोई बड़ी फ्राइंग पैन में सिर्फ नमक मिर्च डाल के चिकन को सियर करना है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से अच्छी सी ब्राउन कर देंगे, पूरी पकाएंगे नहीं, और फिर उसको सारी दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके अवन में रख देंगे। अवन नहीं है, आप चूल्हे पर भी पका सकते हैं, ठीक है, सो वो हम करेंगे। ब्रेक तो नहीं है? अच्छा ब्रेक है, कैसे मुझे पता चल जाता है कि ब्रेक आती है, देखें। सो एनीवेज हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, आप ब्रेक से आएंगे तो फिर हम ऑलिव ऑयल में चिकन के थाइज़ हैं ये देखें थाइज़ हैं जी, हाँ कॉलर हैं तो ज़रूर दे दीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्लाह का, शेफ सर कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बना रहे हैं, ये चिकन वाली रेसिपी ना बहुत अच्छी लग रही है। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, देखते रहिए हमारा शो, ठीक है जी, इंशाल्लाह। मैं सवाल का जवाब भी जी जरूर। चॉकलेट लेयर डेजर्ट और कैरामल कस्टर्ड डेजर्ट, ओरियो डेजर्ट और क्या कहते हैं उसको, ट्राइफल कस्टर्ड। ओके, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस चिकन के थाइस पे सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल देती हूँ इस तरह, ठीक है, अच्छी तरह फिर हाथ से इसको मिक्स करेंगे और हम ऑलिव ऑयल में सियर करके रेडी करके रख देंगे आपके लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। कोकोनट कस्टर्ड बार्स अज्जा बिस्किट्स, चूरा किए हुए 180 ग्राम, भुने बादाम आधा कप, खुश खोपरा एक कप, मक्खन 125 ग्राम, कस्टर्ड शुगर एक चौथाई कप, कोको पाउडर एक चौथाई कप, अंडा एक अदद, फिलिंग के लिए मक्खन 125 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने की चमचे, क्रीम 2 खाने की चमचे, आइसिंग शुगर 210 ग्राम, टॉपिंग के लिए डार्क चॉकलेट चॉप 180 ग्राम, क्रीम 2 खाने की चमचे। जी वेलकम बैक, देखें यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल लेके आलू जो हाफ बॉयल थे, ठीक है, हाफ बॉयल आलू को फ्राई करने रख दिया है एक सिंगल लेयर में, समझ आ गई। यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल में चिकन के थाइस को इस तरह फ्राई कर रही हूँ मैं तेल में अच्छी तरह, पहले
इस टेक्निक को कहते हैं ब्रेज करना, ताकि इसके जूसेस अंदर सील हो जाएं। अगर स्किन के साथ है तो बेहतरीन रहेगा। चावल बॉयल्ड हैं, हरा प्याज उसमें हम मिक्स कर देंगे, और ये दूसरे सारे अज्जा हैं वो इसी पैन में हम कुक करेंगे उसको, जब हम चिकन को निकाल दूंगी। यहाँ मैं सूप बनाने के लिए, स्टॉक बनाने के लिए पानी है यहाँ, और इसके अंदर हम क्यूब डाल देते हैं। आपके पास टाइम हो तो उस चिकन को ऊपर नीचे इस तरह करके ब्राउन हो जाए तो फिर उसको आप रख दीजिएगा अवन में। अवन में नहीं करना है, यहाँ से नहीं हुआ, अवन में नहीं करना है तो आप उसको चूल्हे पे ही पका सकते हैं, टाइट फिटिंग लिड के साथ, ढक्कन ढाँक के। और आलू भी आप देखिए मैं किस तरह फ्राई कर रही हूँ, एक साइड से हो जाएगा तो आप पलट लीजिए उसको केयरफुली, ठीक है, इसलिए मैं टोंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, और सिंगल लेयर में होना चाहिए। बड़ी फ्राइंग पैन ले लीजिएगा। मैंने हल्का सा उसको गर्म पानी में डाल के उबाला है, इसलिए कि मेरे पास टाइम कम है, आपके पास टाइम हो तो अवन में ही रोस्ट होने दीजिएगा आलूज़ को। ओके, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कोई एडवाइस देनी है, कुछ रेकमेंड करना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, है कोई रिक्वेस्ट, है कोई कॉलर? चलिए, सारे आलूज को मैंने टर्न कर दिया, ये देखें, ठीक है जी, ये भी उड़िए नहीं प्लीज़। ये देखें, चिकन को आपने ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छी तरह इस तरह पूरा आगे पीछे टर्न करके पका लिया। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा सूप बनने के लिए यहाँ रख देते हैं, ट्राई करते हैं इफ दिस चूल्हा वर्क्स। Not today. अब एक और पैन ले लेते हैं, आलूज को निकाल देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अमीना, वाह कैन से, ओके जी, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। हेलो जी, हेलो जी, जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? शुक्र है अल्लाह का जी, फरमाइए। आपने क्वेश्चन किया है सुजात के नाम पूछे हैं आपने जी 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 जी, फरमाइए, डिजर्ट्स बताइए नाम। चॉकलेट लावा केक, ओके, और फ्रूट ट्राइफल, ठीक है, क्या जी? तिरामिसु केक, ओके, तिरामिसु हो गया, और कुछ जी? और मैं कहना चाहूंगी आप प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इसी तरह साथ देते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलू देखें अच्छी तरह क्रिस्प हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं, चिकन हमारी यहाँ सियर हो रही है, यहाँ मैंने तेल के अंदर प्याज रख दी है, अब वो डिज़र्ट निकाल देते हैं ताकि उसके ऊपर मैं गनाश डाल दूँ। गनाश को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। गनाश बहुत सेट नहीं हो जाए, ओके, उससे पहले इसके ऊपर डाल दीजिएगा, फिर दोबारा फ्रिज में रख देते हैं इसको। चिकन को मैं जितना हो सकेगा इसी पे बनाना ट्राई कर रही हूँ चूल्हे पे ही, बिकॉज हमारे पास फिर टाइम कम है टू पुट इट इन दी अवन, लेकिन लास्ट में अवन में जाएगा ये, क्योंकि एग्जैक्टली जो लिखा होता है रेसिपी में वो हम उसी तरह सिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव शो है एक घंटे का हमारा। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे बिफोर ये एक जगह में सेट हो जाए। जैनब है मियाँ वाली से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, हेलो, मुझे आवाज आ रही है आपकी जैनब, फरमाइए। अच्छा जी, जैनब कहीं चली गई कॉल मिला के। चलिए इसको रखते हैं हम दोबारा फ्रिज में। अब यहाँ प्याज हमारी हो रही है, हल्की सी ब्राउन हो गई है, इसमें हम लहसुन शामिल कर देते हैं, स्लाइस की हुई लहसुन है ये, तो अच्छी तरह इसको सौते करिए आप। चिकन को मैं टर्न करूँगी,
देखें कितनी अच्छी तरह चिकन हमारी तल चुकी है। क्रिस्प गोल्डन हो गई है। चिकन को इसी तरह आपने करना है, ठीक है। सो एक पैन में आपने प्याज और लहसुन को सौते किया, इसमें आप मक्खन डालेंगे। फिर इसमें आप काली मिर्चें डालेंगे। मक्खन फीका अनसॉल्टेड नहीं है, पीला वाला है। कम नमक डालेंगे, लेमन का जूस जाएगा। लेमन के स्लाइसेस भी जाएंगे, फिर देखिएगा आप। ठीक है, हरा प्याज जाएगा और ये चिकन स्टॉक क्यूब के साथ स्टॉक जाएगा। ये तमाम अज्जा चले गए, मिक्स कीजिए इसको और चिकन को इसमें शामिल कर दीजिए। मक्खन ज़रा पिघल जाए। आलू भी हैं, आलू को मैं डिश में निकाल दूं पहले। सारा काम साथ साथ, पूरा इसका तेल वगैरह भी ले लीजिएगा और अगेन सिंगल लेयर में रखिएगा। ओके, इसके ऊपर चिकन जाएगी जो हमने दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह फ्राई कर ली है। उड़ रही है बहुत आज मुझ पर। और इसकी सॉस जो है, सॉस भी रेडी है। इस सॉस के अंदर आपने इस चिकन को शामिल करना है, ठीक है। अब आप इसको अवन में रखेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें से अच्छी तरह पूरा ऑलिव ऑयल जूसेस जो हैं सब कुछ चिकन का ले लीजिएगा। बस अब एक उबाल यहाँ आ जाएगा, इसके बाद फिर मैं इसको अवन में रखूँगी इसी डिश में और फिर हम चावल के साथ इसको सर्व करेंगे। चावल में हम हरा प्याज की जो हरा वाला पार्ट है वो डाल देंगे। दोनों तरफ से इसको टर्न कर दीजिए। सिर्फ फ्राइड चिकन का टेस्ट नहीं आना चाहिए, ये स्टॉक का टेस्ट आना चाहिए, मक्खन वगैरह का, हर चीज़ का। और इसको हम बिछाएंगे उस ये सब कुछ ज़रा मैं यहाँ से उठा लूँ, आज बहुत मैंने फैला दिए हैं बर्तन। अब मैं करके फिर ब्रेक लूँगी, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज़। ठीक है जी, सब हो गया, सब हट गया यहाँ से। खोपरा हमें डालना है, याद दिलाइएगा मुझे कि मुझे खोपरा भी डालना है। नाउ यू कैन सी क्लियरली, ये है बेस पे वो फ्राइड वाले हल्के बॉयल वाले आलू हैं। ये उठाया आपने, यहाँ मिलाती हूँ ज़रा, बिकॉज़ आई हैव टू पिक अप ईच चिकन थाए। इसको उठाते हैं, इस डिश में रखते हैं इस तरह, ठीक है, और इसको अवन में रख देते हैं। चलिए आप लोग जाइए ब्रेक की तरफ। ब्रेस्ड चिकन विद पोटैटोस, अज्जा। आलू 3 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, चिकन थाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, लहसुन स्लाइस 6 जवे, चिकन स्टॉक 2/3 कप, लीमू स्लाइस 1 अदद, लीमू का रस 1 लीमू का, सॉल्टेड बटर 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज 1 अदद, पके हुए चावल सर्विंग के लिए। मैंने ट्राई की है कि निकालने की, लेकिन नाजरीन ये टूट रहा है तो फिर ये बुरा लगेगा, इसको हम नहीं निकालते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही हम डेकोरेट कर देते हैं। ये फिर ठंडा होगा तो फिर आप इसको काटिएगा प्लीज़, बिकॉज आई कॉन्ट टेक इट आउट राइट नाउ, ये बहुत ही मैसी हो जाएगा। सो लेट दिस बी लाइक दिस। लेकिन मैं आपको इतना सा निकाल के दिखाना चाह रही हूँ कि देखें, ये आपको बिस्किट का पूरा लेयर कस्टर्ड और फिर ऊपर ये, सही है। सो वी कॉन्ट टेक इट आउट, वी कॉन्ट, अभी नहीं सेट हुआ है। मीनवाइल वहाँ चलते हैं और अवन में से हम निकालते हैं चिकन। आप लोगों को चिकन को फुल पकाना है, ठीक है, अवन में। मैंने फुल चूल्हे पे पका दिया है बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। सो स्टीलाइन का अवन हम यूज़ कर रहे हैं, स्टीलाइन का चूल्हा भी हम यूज़ करते हैं। ये देखें, बबलिंग बबलिंग बबलिंग, गर्मा गर्म। अभी हम चिकन को चावल के ऊपर रखते हैं
और इस तरह चावल पे मैंने सिर्फ हरा प्याज रखा हुआ है। ये आप चिकन को उठाइए, इसको आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और दूसरी पीस भी रख देते हैं, तीसरा पीस भी रख देते हैं, आई थिंक 3 आर इनफ। अब ये पूरा जो मज़ेदार सा इसका सूप टाइप है, आलू हैं इसके, ये आएंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है डिनर पार्टीज़ के लिए, आप इस तरह इसको प्रेजेंट करिएगा, ठीक है। और जो लेमन है, लेमन को भी ऐसे रखिएगा यहाँ। मेक श्योर आपने इसमें काफ़ी इसका जो लिक्विड है वो भी डाला है। वी डोंट वांट के चिकन ब्रेस्ट जो है वो बहुत ही प्लेन ऐसे बॉयल बॉयल या फ्राइड फ्राइड लगे। और आलू रख दीजिए, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। सो आपको समझ आ गया कि किस तरह आपको इसको डेकोरेट करना है, किस तरह आपको इसको निकालना है, किस तरह आप इसको सर्व करेंगे चावल के साथ, ठीक है। सो एक मुख्तलिफ रेसिपी आज आपने सीख ली मुझसे। इसी तरह सारी रेसिपीज़ देखिएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। सो नाउ दिस हैज़ टू वेट, इट हैज़ टू कूल। हर चीज़ में हम जल्दी नहीं कर सकते हैं। मैंने ट्राई तो किया लेकिन फिर क्या हो रहा है कि टूट रहा है तो लेयर्स अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। सो टूटेगा फिर अच्छा नहीं लगेगा पिक्चर्स में स्पेशली। तो मैंने एक आपको निकाल के इस तरह दिखा दिया है एंड इसी तरह आप रेसिपी बनाइएगा, इसको सेट होने दीजिएगा। हर लेयर को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे है कि अब हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। आज हमने चिकन ब्रेज्ड विद पोटैटोज बनाना आपको सिखाया है ब्रेजिंग की एक टेक्निक के साथ, और हमने आज आपको ये कोकोनट बार्स बनाने सिखाए हैं जिसमें 3 लेयर्स थे। कस्टर्ड पाउडर को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया है, कस्टर्ड हमने बनाया नहीं है। अच्छा जी, और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज मैंने जो अवन यूज़ किया है वो स्टीलाइन का है। स्टीलाइन का बिल्ट इन अवन जो है, इसमें मैं बेकिंग करती हूँ हमेशा अपने शो पे। 3D इलेक्ट्रिक अवन है, 3 हीटिंग एलिमेंट्स हैं, 72 लीटर्स की कैपेसिटी है, 9 मेन फंक्शंस इसमें हैं, पॉप अप नॉब्स हैं, कन्वेक्शन फ़ैन है जिससे आराम से अंदर हीट सर्कुलेट होती है और ईजी इवन बेकिंग होती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं वहाँ आपको बिल्ट इन माइक्रोवेव नज़र आ रहा है। स्टीलाइन का कंट्रोल सेंसर टच है। इसमें जो ऑप्शंस हैं, इसमें ग्रिलिंग है, कुकिंग है, बेकिंग है। कैविटी इसकी स्टेनलेस स्टील की है तो बिल्कुल वो जंक नहीं होता है। और जो मैग्नेट्रॉन्स हैं वो थाईलैंड से मंगाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि पाकिस्तान में स्टीलाइन के प्रोडक्ट्स 2016 से हैं। फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची और सियालकोट में इनके शोरूम्स मौजूद हैं और इनकी वेबसाइट है steelline.pk। चूल्हा जो हमने यूज़ किया है वो भी स्टीलाइन का है, उसको कहते हैं हॉब, ठीक है। बिल्ट इन हॉब है ये। ये कांच है, टेम्पर्ड ग्लास से बनाया गया है, 750 डिग्रीज पे टेम्पर किया गया है। APS के इसके बर्नर्स हैं, अच्छी सी ब्लू फ्लेम है, इनके नॉब्स भी गर्म नहीं होते हैं जब हम चूल्हा ऑन करते हैं। चलिए हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं, देखते रहिए मसाला TV। ब्रेस्ड चिकन विद पोटैटोज, अज्जा, आलू 3 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, चिकन थाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, लहसुन स्लाइस 6 जवे, चिकन स्टॉक 2 तिहाई कप, लीमू स्लाइस 1 अदद, लीमू का रस 1 लीमू का, सॉल्टेड बटर 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज 1 अदद, पके हुए चावल सर्विंग के लिए। तरकीब, आलू उबाल के ठंडे करें और आधे आधे काट लें। जैतून का तेल गरम करें, चिकन थाइस को तमाम मसाले और नमक के साथ सीजन करें और पका के ब्राउन कर लें। फिर इसे प्लेट में निकाल लें। पैन में आलू डालकर पकाएं कि वो लाइट ब्राउन हो जाएं। फिर आलूओं को प्लेट में चिकन के साथ निकाल लें। पैन में प्याज पका लें कि ब्राउन हो जाए। लहसुन स्टर करें कि खुशबू आने लगे। चिकन स्टॉक शामिल करके दम दें। चिकन शामिल करके इस पर आलूओं को लेमन स्लाइसिस के साथ डालें और अवन में बेक करें कि वो पक जाएं। अब चिकन को प्लेट में निकालें। फिर लीमू के रस और मक्खन में स्टर करें कि वो पिघल जाए। फिर नमक से सीजन करें। अब चिकन को सॉस में निकालकर काली मिर्च, हरी मिर्च और हरी प्याज से गार्निश कर लें और पके हुए चावल के साथ सर्व कर दें। कोकोनट कस्टर्ड बार्स, अज्जा, बिस्किट्स चूरा किए हुए 180 ग्राम, भुने बादाम आधा कप, कुश खोपरा 1 कप, मक्खन 125 ग्राम, क्लस्टर शुगर 1/4 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए मक्खन 125 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 210 ग्राम। टॉपिंग के लिए डार्क चॉकलेट चॉप 180 ग्राम, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब, एक चौकोर केक पैन या बेकिंग डिश को ग्रीस करके बेकिंग पेपर बिछाएं,
इसे बादाम बिस्किट और नारियल को एक साथ मिलाएं। एक पैन में मक्खन, चीनी और कोको पाउडर को मेल्ट करके अंडा अच्छी तरह मिक्स करें और विस्क करते रहें कि बैटर गाढ़ा हो जाए। फिर इसे बिस्किट के आमेजे में शामिल करके अच्छी तरह हल होने तक स्टर करें। अब केक के पैन में डाल के ठंडा होने फ्रिज में रखें। फिलिंग बनाने के लिए मक्खन को हल्का और क्रीमी होने तक फेंटें। फिर इसमें कस्टर्ड पाउडर और क्रीम को यकजा होने तक अच्छी तरह बीट करें। आइसिंग शुगर शामिल करें। अब इसे फ्रिज में रखी बेस पर डालें और दोबारा एक घंटा फ्रिज में रख दें। टॉपिंग बनाने के लिए चॉकलेट और क्रीम को पिघलाकर स्मूथ होने तक मिलाएं और 30 मिनट फ्रिज में रख दें। सर्व करने के लिए सर्विंग बोर्ड पर डालकर बार की शक्ल में काट लें। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मसाला टीवी। आज की विनर हमारे इनेक्स के गिफ्ट की है फातिमा, आपको मुबारक हो। आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा और एड्रेस लिया जाएगा, फैसलाबाद की फातिमा, ठीक है, और आपको आपका गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। आज हमने क्या बनाया था, आज हमने बहुत ही मज़ेदार से एक डिज़र्ट बनाया था, ये है कोकोनट कस्टर्ड बार्स, ठीक है। मैंने ट्राई की इसको काटने की लेकिन अभी सेट नहीं हुआ है, सो इसलिए मैंने सिर्फ एक चम्मच निकाल के आपको दिखा दिया है कि इस तरह आपको तीन लेयर्स नज़र आएंगे। ऊपर गनाश है, इसके ऊपर हमने खोपरा भी डाल दिया है, ठीक है, और नीचे बीच में जो कस्टर्ड की फिलिंग है किस तरह मैंने बनाया है। कस्टर्ड पकाया नहीं है, कस्टर्ड हम पाउडर को यूज़ किया था हमने आज, और ब्रेजिंग की टेक्निक मैंने सिखा दी है कि आलू किस तरह हमने फ्राई किए, चिकन को किस तरह फ्राई किया, उसके जूसेस को अंदर सील कर दिया, उसके बाद हमने इस स्टॉक के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक देते रहिएगा, हमारा साथ इसी तरह रखिएगा और देखते रहिएगा मसाला टीवी। और कल पीर है तो 3:30 बजे दोपहर में स्कूप्स ऑफ जॉय देखना मत भूलिएगा, मेरा जो आइसक्रीम का शो है, ठीक है, थोड़े से ही उसके एपिसोड्स रह गए हैं, ज़रूर देखिएगा, वो भी रात में 8 बजे रिपीट होता है। और इसी के साथ दीजिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.